सिंह चौहान अहिरवार समाज के सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा, अनुसूचित जाति समुदाय के विकास और कल्याण के लिए जरूरत पड़ने पर नई योजनाएं बनाई जाएंगी। इसके अलावा सीएम ने घोषणा की कि 16 फरवरी को प्रदेश में संत रविदास की जयंती मनाई जाएगी। अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 25 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया। सीएम ने कहा, प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति जनजाति और गरीब परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क किताबें छात्रवृत्ति होस्टल सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही मेधावी बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी उनकी दे रही है। सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने का काम किया है ताकि गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। आप दो सरकारों का अंतर समझो। कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया और ज्यादातर तो कांग्रेस के कब जा रहा है। यहां तक के पहले तो हमारे बब्बा जी भी कांग्रेस में थे, पुराने जमाने में तो सभी कांग्रेस में थे। लेकिन इतने साल भी राज करने के बाद आप ईमानदारी से बता रहे, बच्चों को तो पता नहीं, उनने तो मामी का राज देखा है। हम पड़े थे अंधेरे में, कभी भलाई और विकास के काम नहीं किए। आपने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, आपने भैया पे मामा पे विश्वास किया और मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो आज आप देख रहे हैं कि अपनी हालत पूरी तरह से बदल गई। बदली की नहीं बदली, बता मोहल्ला अब आप देखो अपना मोहल्ला, यहां सामुदायिक भवन, अपना ये मैदान, आसपास की रोडें और अपने मकान। और आपके बीच में आके मुझे बहुत खुशी है कि आपने उस पैसे का सदुपयोग किया है। मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ। दतिया में एक दिवसीय संवर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये आयोजन अभी